दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दो तीन युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए, अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला, 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, 7.5 घंटे।